कौन है पवन सिंह? पवन सिंह झाट के बाल है। नमस्कार, प्रणाम, गर्दा उड़ा के वीडियो को शेयर कर दीजिए। सौम्या पोखरेल का भैया को इंटरव्यू वायरल हुआ बहुत ही तेजी से, और वो इंटरव्यू भैया बहुत ही तेजी में विवाद का रूप ले लिया। अब विवाद का रूप लेने के बाद भैया सौम्या पोखरेल को लोग गलत गलत बात बोलने लगे। जो नारी का सम्मान करते थे, जो नारी नारी बोल के अपना माँ बहन को रोटी खिलाते थे, वो लोग सौम्या पोखरेल एक लड़की को भैया बदनाम करने लगे। सौम्या पोखरेल ने सिर्फ और सिर्फ यही बोल दिया कि पवन सिंह कौन है, इतना ही बोला था बस। इतना बोलने के बाद इतना हाहाकार मच गया भैया। जितने भी पवन सिंह के यूट्यूबर हैं सबके दिल में ठेस पहुंच गया कि हमारा पवन भैया को नहीं जानती है सौम्या पोखरेल। अब जानती हो ना जानती हो उससे कोई मतलब नहीं, इंटरव्यू में क्या बोला नहीं जानते। खेसारी लाल यादव इतिहास मशीन, उनके साथ प्रियंका पंडित ने काम किया, बोलता कौन है खेसारी नहीं जानते, तो उस पर कोई विवाद नहीं होगा। खैर सब बात को छोड़ दीजिए। अभी संतोष रेणुका का इंटरव्यू बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, समझे ना। सौम्या पोखरेल बोलती है कौन है पवन सिंह, तो संतोष रेणु क्या बोलता है सुनिए ही बतिया। कौन है पवन सिंह? पवन सिंह झाट के बाल है। ये वही संतोष रेणु है भैया, जो भी हाल ही में जेल से आए हैं। जी हाँ, और इनका कहना है कि पवन सिंह और कोई सांसद हमको जेल भेजवाए। जी हाँ, तो पवन सिंह का भैया ये गत हो रहा है, उनके सभी लोग अपने छोड़ रहे हैं, जो उनको सपोर्ट करते थे उनके लिए आकर के दूसरे स्टार को गाली गलौज कर देते थे, वो लोग पवन सिंह का साथ छोड़ दे रहे हैं। भैया क्या बोलिएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, विरोधियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को उसका अवकात पता चल सके। पवन सिंह को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ उनके यूट्यूबरों का है, समझे ना। बाकी अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा दिल का बात था तो आप लोग के बीच मुझे लगा कि शेयर कर दें, तो आप लोग भी अपना दिल का बात शेयर कीजिए, गर्दा वाला के वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।